संसद सदस्यता खोने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सांसद के तौर पर मिले 12 तुगलक लेन स्थित अपने सरकारी आवास को खाली कर दिया। केरल की वायनाड लोकसभा सीट से संसदीय जाने के बाद उन्हें बंगला खाली करने का नोटिस मिला था। इसके लिए उन्हें 22 अप्रैल तक की तारीख दी गई थी, लेकिन राहुल गांधी ने पहले ही उसे छोड़ दिया। करीब 19 साल से ये बंगला उनका आधिकारिक आवास था, लेकिन संसद सदस्यता जाने के बाद उन्हें ये बंगला खाली करने का आदेश दिया गया था। राहुल गांधी के घर का सामान अब यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी के आवास पर शिफ्ट कर दिया गया है। शुक्रवार शाम को कई ट्रक 12 तुगलक लेन स्थित राहुल गांधी के आवास पर पहुंचे और वहां से उनके सामान को लादकर सोनिया गांधी के घर पर छोड़ गए। राहुल अब यहीं रहेंगे। बता दें कि सोनिया का घर 10 जनपद प्रधानमंत्री आवास से भी बड़ा है। सेंट्रल पब्लिक डिपार्टमेंट के मुताबिक पीएम मोदी का सरकारी आवास 7 आरसीआर 14,101 वर्ग मीटर में बना है। वहीं 10 जनपद 15,181 वर्ग मीटर के क्षेत्र में है। लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री बने तो यहीं रहते थे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद से राजीव गांधी का परिवार यहां रह रहा है। इसी के पीछे कांग्रेस मुख्यालय है। दरअसल 23 मार्च को सूरत कोर्ट ने मानहानि केस में उन्हें 2 साल कैद की सजा सुनाई थी। हालांकि कुछ ही देर में उन्हें जमानत भी मिल गई थी। इसके अगले दिन राहुल की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। 27 मार्च को उन्हें बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया। इसके जवाब में राहुल गांधी ने लोकसभा सचिवालय के डिप्टी सेक्रेटरी डॉक्टर मोहित रंजन को लिखित जवाब भेजा। राहुल ने लिखा, मैं 4 बार लोकसभा सांसद चुना गया, ये जनादेश है और मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ। मेरी इस घर से कई अच्छी यादें जुड़ी हैं। मैं नोटिस में दिए गए आदेश का पालन करूंगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।